तो गाइज अगर आप चाहते हो अपने इंस्टाग्राम की फोटो को अपने वीडियो को वायरल करना, तो इसके लिए आपको पूरा स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी काम करती है एंड किस तरीके से हमारा जो इंस्टाग्राम वर्क करता है उसका एल्गोरिदम वर्क करता है, जिसकी वजह से हमारी पोस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में रेकमेंड होती है एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में वो पहुँचती है, तो हमारे को लाइक्स भी अच्छे खासे मिलते हैं एंड कमेंट्स भी अच्छे खासे मिलते हैं। और ऑब्वियसली बात, अगर आपके पोस्ट के ऊपर लाइक अच्छे खासे आएंगे, आपके कमेंट्स अच्छे खासे आएंगे, तो कुछ चांसेस बन जाते हैं कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो है फॉलोअर्स भी आ जाए। तो हम इसी के ऊपर पूरा आगे वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को समझ सकते हो और किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, जो कि पूरी बात करूँगा मैं इस वीडियो के अंदर अबाउट टू हमारी पोस्ट को कैसे वायरल करना है, पूरा वीडियो में बताऊँगा, आगे प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से हमें जो है इस काम को पूरा आगे तक करना है एंड हमारी पोस्ट को जो है वायरल करना है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आप पूरा समझ पाओगे इस चीज़ को, पूरी स्ट्रेटजी को आप समझ पाओगे और इजीली अपनी पोस्ट के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोफाइल के ऊपर, जिसके चलते आपकी प्रोफाइल भी जो है वायरल हो सकती है एंड अच्छे खासे फॉलोअर्स आप ले सकते हो। देखिए इस चीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कई डाउट्स आपके थे क्योंकि मैंने उसमें उस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी ट्रिक्स के बारे में बताया था, तो उसके अंदर भी ये छोटा सा मैंने बताया था, इसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं बताया था। तो काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर, DM भी आ रहे थे कि हमें जो है पोस्ट वायरल की स्ट्रेटजी पूरी समझनी है, किस तरीके से जो है ये चीज़ें वर्क करती है, पूरा एल्गोरिदम समझना है किस तरीके से हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट को वायरल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रेकमेंड करता है। तो ये वीडियो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए कि किस तरीके से हमें जो है इंस्टाग्राम की पोस्ट को वायरल करना है और किस तरीके से हमें इस स्ट्रेटजी को काम में लेना है। सो गाइज, मेरा नाम आशीष राम चौधरी, आप देख रहे हैं जेपोनोले, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, मैं अभी मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ एंड सब कुछ चीज़ें आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन मैं यहाँ मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट यूज़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे उसके ऊपर कोई भी ऐसी फोटो अभी तक अपलोड नहीं करनी है, ये सिर्फ डेमो के लिए है। तो मैं आपको पूरा डेमो करके दिखाने वाला हूँ दूसरे अकाउंट के ऊपर, जो कि मेरा आप बोल सकते हो दूसरा तीसरा चौथा अकाउंट, क्योंकि मुझे दो तीन अकाउंट हैंडल करने पड़ते हैं फॉर द इंस्टाग्राम की ट्रिक्स को लेके। तो इसके लिए गाइज आपको इंस्टाग्राम के ऊपर जाना है एंड ईजिली आपको भी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाना है इसी तरीके से जिस तरीके से मैं इंस्टाग्राम के ऊपर आया हूँ। एंड इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें सीधा प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट वायरल को लेके किस तरीके से हम कर सकते हैं इजीली। तो गाइज इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी प्लस के आइकन के ऊपर जैसे आप आते हो तो यहाँ से आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि एक वॉलपेपर है एंड ऑलरेडी मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर पहले से ही रखा हुआ था। इसके बाद में आप यहाँ से कुछ फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ जो ओरिजिनल फ़ोटो आपकी वही आप यूज़ करो, मतलब आपको यहाँ इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी फ़ोटो को एडिट नहीं करना है क्योंकि क्लियरिटी जो है उसकी वो काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है। तो आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से हम इंस्टाग्राम की जो फ़ोटो की क्वालिटी है उसको स्टेबल रख सकते हैं, तो वही आपको एडिट करके रखनी है, इसके अंदर एडिट नहीं करनी है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको कैप्शन डालना है जो कि इस फोटो से रिलेट करता हो। दोस्तों ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखा करो आप, कि मान लीजिए आप फोटो कुछ डाल रहे हैं एंड कैप्शन कुछ डाल रहे हैं, तो वो इंस्टाग्राम का जो यूज़र होता है जो आपको फॉलो करने वाला है, आपकी पोस्ट जो देखने वाला है, वो उसको थोड़ा सा ओड सा लगता है एंड वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर विजिट नहीं करेगा। तो जो आपकी फ़ोटो है उसी तरीके से आपको कैप्शन डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ कलरफुल, ठीक है, आपको भी कुछ इसी तरीके से डाल देना है एंड आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है, कलरफुल के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। एंड इसके बाद में हमें क्या करना है, टैग प्यूपल का ऑप्शन मिल रहा है। अब देखिए हमें टैग कौन कौन से प्यूपल को करना है जो रिलेट करते हो हमारी पोस्ट से, ठीक है। तो आप यहाँ सर्च कर सकते हो रेड कलर, ठीक है, ऐसे आपको वही टैग सर्च करने हैं जो हमारी फ़ोटो के अंदर ऑलरेडी हो, क्योंकि हमारे जो यूज़र्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, उनको ओड नहीं लगना चाहिए। इसके बाद में आप ऐसे ही, मैंने रेड कलर ऐड किया, येलो कलर ऐड कर सकते हो, ऑरेंज कलर ऐड कर सकते हो, सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ से ऐड कर लेनी है जो भी फ़ोटो से रिलेट करते हो वो वाले टैग्स। इसके बाद में लोकेशन ऐड कर देनी है आपको, लोकेशन आप अगर आप उस आपके बैकग्राउंड में लोकेशन है कुछ भी, तो आप वो लोकेशन ऐड कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में वो चीज़ें पहुँचेगी। अगर और लोगों ने भी उस प्लेस को जो है उस लोकेशन को ऐड किया हुआ अपनी पोस्ट के अंदर, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर, तो सजेस्ट में जा सकती है आपकी प्रोफाइल, आपकी पोस्ट सजेस्ट में जा सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एक लोकेशन ऐड कर लेनी है कुछ भी, तो मैं यहाँ पे इंडिया डाल देता हूँ आपको, लेकिन लोकेशन वो डालनी है जो आपके उसके अंदर हो, ठीक है, मतलब आपके
जो आपकी पोस्ट है उसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद में ऑल्सो पोस्ट टू फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, हमें कहीं भी पोस्ट नहीं करना, सीधा हमें सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर इस चीज़ को जो है पोस्ट करना है। और एक चीज़ दोस्तों मैंने आपको पहले कही थी कि आप जो आपका कैप्शन लिखते हो आप उसके अंदर आपको हैशटैग नहीं डालना है, बिल्कुल भी हैशटैग यूज़ नहीं करने हैं। हैशटैग यूज़ करने के लिए आपको सीधा सीधा तरीका अपनाना है जो कि है हमारा कमेंट सेक्शन, ठीक है। आपको फोटो जैसे आप अपलोड करते हो तो फोटो फिनिशिंग आप हो जाएगी एंड इसके बाद में आप ऐसे देख सकते हो। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, पोस्ट के ऊपर जाना है एंड थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके एडिट के ऊपर आ जाना है। एंड एडिट के ऊपर आ गए, आपको कुछ भी चेंज वेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ चेंज यहाँ से नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ यहाँ दिखा रहा था कि हैशटैग अगर आपको यूज़ करना हो तो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप हैशटैग यूज़ मत कीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, सीधा जाना है कॉमेंट सेक्शन के ऊपर, ठीक है। कॉमेंट सेक्शन के ऊपर जाके आपको यहाँ से हैशटैग ऐड करने लें, जो भी हैशटैग आपको अपनी फ़ोटो से रिलेट करते हो, ठीक है। तो कलरफुल मैं डाल देता हूँ एंड इसके बाद में कलर मैं डाल देता हूँ, और इसी तरीके से हमारे जो सारे हैशटैग हैं हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आप और भी कुछ हैशटैग जो है यहाँ यूज कर सकते हो। तो चलिए अब मैं याद कर लेता हूँ रेड कलर, ठीक है, क्योंकि ये भी मेरे पोस्ट से रिलेट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको सारे हैशटैग्स को यूज़ करना है एंड इसके बाद पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये भी जो हैशटैग आपने यूज़ किया, इन हैशटैग के ऊपर आपकी पोस्ट जाएगी एंड अगर कोई भी बड़ा हैशटैग होगा, कोई भी मीडियम हैशटैग होगा, कोई भी छोटा हैशटैग होगा, तो हैशटैग कोई सा भी हो लेकिन जब वो रैंक करेगा तो हमारी पोस्ट भी जाहिर सी बात है कि रैंक करेगी उसके साथ साथ में। तो इस तरीके को आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ईजी तरीका है, इस तरीके से आप अपनी पोस्ट को वायरल कर सकते हो, इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और ये मेरा फेक अकाउंट है, ये मेरा दूसरा अकाउंट है जिसके ऊपर मैं डेमो वगैरह करता हूँ, तो आप ऐसा ना सोचे कि बिल्कुल कम फॉलोअर्स है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके डायरेक्ट मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम के ऊपर जेपो नॉलेज सर्च कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं जो रिलेटेड होते हैं इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से, व्हाट्सअप से, ऐसी ट्रिक्स हम आपको बताते रहते हैं हमारे चैनल के ऊपर। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।